वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बीएससी पार्ट टू पेपर सेकंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस कर रहा था। उस लेक्चर में मैंने इस पेपर के दो यूनिट्स एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में मैं मेनली डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप लोग उस लेक्चर को क्लियरली देख लें, ठीक है। तो उसमें आपके दो यूनिट के सिलेबस को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो बीएससी सेकंड ईयर में जो आपका सेकंड पेपर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इस पेपर में मैं आपको जैसा कि बताया कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन और एवोल्यूशन के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में मैं मेनली किसको कवर करूंगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को देखा जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, व्हाट इज मेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की जाए तो मींस इसकी मीनिंग ये होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इनिशियल स्टेज से लेके मींस जब उसके लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट हुई और उसकी बर्थ हुई, बर्थ से लेके उसके थ्रू आउट द लाइफ डेथ होने के पहले तक के जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। मींस अगर हम एनिमल की बात की जाए तो एक स्पर्म होगा जो कि ह्यूमन मेल से सिक्रीट होगा, ठीक है, ह्यूमन मेल के टेस्टिस से रिलीज होगा स्पर्म, और आपका ह्यूमन फीमेल की ओवरी से रिलीज होगा क्या, ओबम। ये स्पर्म और ओबम क्या होगा, स्पर्म ओबम को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है। और इसी जायगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, एम्ब्रियो का, और यही एम्ब्रियो डेवलप करके एक नया यंग वंश बनाएगा, यंग वंश का फॉर्मेशन करेगा, और वही यंग वंश में चेंजेज आते जाएंगे और वो पूरी लाइफ चलेगी। उस लाइफ से क्या होगी, लाइफ की एंड होगी, डेथ होगी आर्गेनिज्म की। उस डेथ के होने से पहले की प्रोसेस ही क्या है, सब डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डेवलपमेंट। अगर इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म भी क्या है, एक सेल है, ओबम भी क्या है, एक सेल है, जायगोट भी क्या है, एक सेल है, और एम्ब्रियो क्या बन गया, ये ग्रुप ऑफ सेल बन गया, ठीक है। तो इस स्पर्म की कंडीशन को अगर देखा जाए तो ये यन कंडीशन की सेल है, ओबम भी क्या है, यन कंडीशन की सेल है, बट जो जायगोट है वो क्या, किस कंडीशन की सेल है, टू यन कंडीशन की सेल है। मींस स्पर्म जो होगा वो हैप्लॉइड नेचर की सेल है, ओबम भी क्या है, हैप्लॉइड नेचर की सेल है, बट जो जायगोट है ये डिप्लॉइड नेचर की सेल है। अब बात ये आती है कि आखिर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, मींस ऐसी सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल का क्या हो, हाफ हो, उस सेल को क्या बोला जाएगा, हैप्लॉइड सेल बोला जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट ऐसी सेल जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट सेट में हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, डिप्लॉइड सेल। अगर हम ह्यूमन की सेल की बात करें तो हमारे ईच एंड एवरी सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स में होंगे, तो टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस 23 पेयर्स क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो ये कौन सी कंडीशन है, डिप्लॉइड मींस टू एन कंडीशन है, ठीक है।
अब ये जो हैप्लॉइड सेल है मींस इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, तो 43 का हाफ क्या आ जाएगा 23, तो इसमें आपका टोटल 23 क्रोमोजोम्स है। ओवम में भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है 23, तो 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा 46। मींस जब हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे तो कंडीशन क्या होगी, हैप्लॉइड कंडीशन होगी। अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा तो डिप्लॉइड कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये एक क्रोमोजोम है, ठीक क्रोमोजोम है, ठीक क्रोमोजोम ही क्या है, डीएनए है। डीएनए पे क्या प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, जीन से क्या बनेगा, जीनो टाइप बनेगा। यस, अब यही जीनो टाइप क्या करेगा, एक फिजिकल अपीयरेंस देगा, और उस फिजिकल अपीयरेंस को क्या बोला जाएगा, फिनो टाइप बोला जाएगा। तो अगर डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहे तो ऐसा पाथ जिसमें कोई जीनोटाइप क्या देने लगे, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने लगे, वही क्या है, डेवलपमेंट है। तो अगर आप लिख सकते हैं उसको, तो अगर आपको डिफाइन करना चाहे कोई कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आप क्या बताओगे, डेवलपमेंट इज अ रूट इज अ रूट रूट वाई विच एन ऑर्गेनिज्म वाई विच एन ऑर्गेनिज्म By which an organism goes from genotype to phenotype, goes from genotype to phenotype, ठीक है। तो development क्या है, एक pathway है, एक route है, जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी organism जीनोटिपिक से करेक्टर से क्या होता है, फिनोटिपिक करेक्टर शो करने लगता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ रूट बाई विच एन ऑर्गेनिज्म गोज फ्रॉम जीनोटाइप टू फिनोटाइप। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे बता सकते हो, और वैसे डिफाइन करना हो तो आप क्या बोल सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जाइगोट से लेके बर्थ तक, बर्थ से लेके अप टू एंड डेथ के पहले तक की प्रोसेस ही क्या है, डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को बायोलॉजी की या जूलॉजी की एक ब्रांच में स्टडी की जाती है, जिसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला टॉपिक होगा। अब आपका जो सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशनड है, वो है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है गैमिट, गैमिटो, गैमिटो मींस गैमिट, प्लस जेनेसिस, जेनेसिस मींस होता है फॉर्मेशन। ठीक है, मींस ऐसी प्रोसेस, डेवलपमेंट की ऐसी प्रोसेस जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, गैमिटोजेनेसिस बोला जाएगा। तो आप ब्रैकेट में यहां लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, वही क्या है, गैमिटोजेनेसिस। अब बात यह आती है कि गैमिट क्या होते हैं, तो गैमिट क्या है, स्पर्म एंड ओवम, ये क्या है, गैमिट्स हैं। ठीक है, स्पर्म को बोला जाता है मेल गैमिट एंड ओवम को बोला जाता है फीमेल गैमिट। ठीक है, तो स्पर्म मेल गैमिट है, ओवम क्या है, फीमेल गैमिट है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस अलग अलग हो जाएगी। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस,
एंड ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाएगा ऊजेनेसिस। ठीक है, तो आपको इसमें इस टॉपिक के साथ साथ दो सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे, वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट टॉपिक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड जो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मा मीन्स होता है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, और वो आगे आपको बताया है जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो सीड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और आपका ओजेनेसिस भी दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ओ मीन्स होता है ओवम प्लस जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, मीन्स ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही क्या है? ओजेनेसिस। तो आप यहां ब्रेकअप में ले सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, मीन्स स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोल दिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोल दिया जाएगा ओजेनेसिस, एंड दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाएगा? गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि दोनों क्या है? स्पर्म एंड ओवम गैमेट्स हैं, और इस गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज ओजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस कर लेंगे, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ओजेनेसिस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट का। ठीक है, तो गैमीट बन गया, गैमेटोजेनेसिस हो गई। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद ये एक स्पर्म है हैप्लॉइड सेल प्लस एक ओवम हैप्लॉइड सेल, अब इससे क्या होगा? दोनों स्पर्म ओवम को क्या करेगा? फ्यूज करेगा, और इस फ्यूजन की प्रोसेस को ही बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक, वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक सिंगल डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, और उस सेल का नाम होगा जायगोट। ठीक है, तो एक स्पर्म सेल, एक ओवम सेल, दोनों क्या होंगे? स्पर्म ओवम से फ्यूज्ड होगा, मींस एक हैप्लॉइड स्पर्म सेल एक हैप्लॉइड ओवम से फ्यूजन करेगा, उस फ्यूजन की प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम क्या होगा? जायगोट होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? जायगोट होगा, क्योंकि विदाउट डिप्लॉयड और नेचर के सेल में क्या होगा? आगे डिवीजन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यही जायगोट आगे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और इसी एम्ब्रियो का यूट्रस के इनसाइड डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा? बर्थ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक रहेगा, क्या? फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है एग स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। फोर्थ टॉपिक क्या है? एग स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग एग के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा होमोलेस्टल एग होता है, टिलोलेस्टल एग होता है, मैक्रो
मेगालेसल, मेजोलेसल, तो डिफरेंट टाइप्स के एग होते हैं, उन सभी का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा और वो एग कितने टाइप्स के होते हैं इसकी बात किया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। जायगोट क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है। अब इस डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, मींस डिवीजन होगा, और कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, मींस जो जायगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। और उस डिवीजन की प्रोसेस को एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक और नाम दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज मींस होता कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ जायगोट, ये जायगोट है, इसी का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। इंक्रीज तो होंगी, बट क्या होगा, इस जायगोट की साइज इंक्रीज नहीं होती है, केवल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, और उस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो जो एक सिंगल सेल है ये क्या होगा, मल्टी सेल स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है। तो जायगोट से आगे मारूला बनेगा, मारूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा, ठीक है। तो इन सब में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो नंबर आप सेल्स इंक्रीज करेंगी तो जो यूनिसेल्युलर है, जो सिंगल सेल्ड है, वो क्या होगा, मल्टी सेल्ड, मींस जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमको मल्टी सेल्युलर ही ऑर्गेनिज्म आगे चल के बनना है, ठीक है। तो अगली जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, क्लीवेज होगी, ठीक है। डिवीजन हो रहा है, नॉर्मल सेल डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन है, बट यहां पे इसको सेल डिवीजन ना बोल करके क्या बोला जाता है, क्लीवेज बोला जाता है। तो क्लीवेज इज अ डिवीजन ऑफ जायगोट, ठीक है। जहां भी क्लीवेज की बात आएगी वो क्या है, डिवीजन ऑफ जायगोट है। डिवीजन ऑफ जायगोट में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगी बट साइज इंक्रीज नहीं करेगी, और जायगोट का डिवीजन होगा तो मारूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और गैस्टुला का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स तो आपके सिलेबस के यूनिट थर्ड में मेंशन है, इसमें मेंशन है यूनिट थर्ड में, ठीक है। हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को पहले डिस्कस कर लिया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मेनली आपका एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन था, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में आपका क्या मेंशनड है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में आपका व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस, इसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को पढ़ना है, देन आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, एक का स्ट्रक्चर और उसका टाइप्स पढ़ना है, फिर क्लीवेज को डिस्कस करना है। इतना आप पढ़ लोगे तो यूनिट थर्ड फिनिश हो जाएगी। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन। तो फर्स्ट टॉपिक आपका यूनिट फोर्थ में है प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन, ठीक है। मैं अभी बात किया कि एक स्पर्म होगा जो कि हैप्लॉइड नेचर का होगा, एक ओबम होगा हैप्लॉइड नेचर का होगा, फॉर्मेशन किसका होगा, एक डिप्लॉइड नेचर के जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इस जायगोट में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, कितनी इंक्रीज करेंगी, टू से फोर होंगी, फोर से एट होंगी, मींस जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही हो टू की पावर एन में इंक्रीज करेगी। मींस क्या होता है, अगर टू की पावर आप वन करोगे तो टू हुआ, टू की पावर टू करोगे तो फोर हुआ, टू की पावर थ्री एट, टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू की पावर फाइव
32 सो ऑन, ठीक है। मतलब जो नंबर आप सेल इंक्रीज कर रहे हैं वो इसी रेशियो में इंक्रीज करेंगे। 2 से 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 सेल डिवाइड करिए तो 4 होंगी, 4 डिवाइड करेंगे तो 8 होंगी, 8 डिवाइड करेंगे 16 होंगी, 16 डिवाइड करेंगे 32, 30 डिवाइड करेंगे तो 64, ऐसे सवान आगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता रहेगा। तो हमेशा जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो 2n में ही होता है, नंबर ऑफ सेल ऐसे ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो 2 से कभी 3 नहीं होगा, हमेशा 4 होगा, 4 से 5, 6, 7 नहीं होगा, क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो बन क्या रहा है आगे, ये ओवम बन गया, ओ जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यही जायगोट क्या बनाएगा, मारुला, मारुला से क्या बनेगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से क्या बन जाएगा गैस्ट्रुला, ठीक है। यस, यहां पे क्या हुआ, कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, अप्रोक्सीमेट 4 to 16 सेल्स हैं, ठीक है। यहां पे सेल का नंबर और इंक्रीज हुआ, ये ब्लास्टुला क्या होता है, यूनिलेयर्ड होता है, यूनिलेयर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका ट्राई लेयर्ड है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, कितने लेयर हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इस 3 लेयर्स पे आपका कौन कौन सी लेयर होंगी, एक्टोडर्म, आपका मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। इन्हीं 3 लेयर को कलेक्टिवली बोला जाता है जर्म लेयर्स, क्या बोला जाता है जर्म लेयर्स। और ये तीनों जर्म लेयर्स किस स्टेज में दिखेंगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के गैस्ट्रुलाइज स्टेज में, ठीक है। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर्स में क्या होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, क्या होगी ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन होगा, ठीक है। अब एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन के बॉडी का फॉर्मेशन होगा, मेसोडर्म से बॉडी के कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, इंडोडर्म से बॉडी के कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन से ऑर्गन कैसे बनते हैं आगे आपको जर्म लेयर में डिस्कस किया जाएगा। तो ब्लास्टुला कैसे बना, इसकी प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन बोला जाता है। गैस्ट्रुला में जो गैस्ट्रुलरी मूवमेंट होगा मीन्स सेल का मूवमेंट होगा, मीन्स जो 3 लेयर्ड सेल्स हैं वो मूव करके अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगी। अब बात ये आती है कि पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों पहुंचेगी, तो इसका रीजन ये है कि इस गैस्ट्रुला की हर सेल का अपना एक निश्चित फेट होता है, क्या होता है फेट होता है। फेट का मतलब है कि हर सेल कमिटेड है उसको बॉडी के किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। तो अगर किसी सेल को नोज का फॉर्मेशन करना है तो नोज जिस प्लेस पे बॉडी के बननी है वहां उसी प्लेस पे क्या होना है, उस सेल को मूव करके पहुंचना है, तभी क्या होगा नोज का फॉर्मेशन बॉडी में हो पाएगा। तो हर सेल का अपना फेट निश्चित होता है और इसी फेट को शो किया जाता है किससे, फेट मैप से। तो फेट मैप क्या होता है इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आपका इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो क्या है, फेट मैप का, ठीक है। तो हर ऑर्गेन में डिफरेंट टाइप का फेट मैप बनता है, क्योंकि हर ऑर्गेन में बॉडी के हर ऑर्गन की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट प्लेस पे होती है। तो हम लोग फेट मैप बनाना सीखेंगे, फेट मैप होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक मेंशनड है वो दिया गया है, या यहीं पे हम साथ में जर्म लेयर लेंगे, फेट मैप ऐसा लिख लो, जर्म लेयर्स एंड देयर फेट, ओके। तो ये आपका कंप्लीट ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो डेवलपमेंट ऑफ चिक, ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड मैमल्स,
है, तो चिक के डेवलपमेंट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे चिक का डेवलपमेंट होता है इसको हम जानेंगे, कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं चिक में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इन चिक, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात की जाए तो टोटल 5 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक्सेक, ठीक है, सॉरी टोटल 4 होती हैं। कौन कौन सी? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक्सेक, ठीक है। इन सारी मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी एम्ब्रियो के लिए प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। इस एमनियन में क्या फुलफिल होगा? एमनियोटिक फ्लूड, एमनियोटिक फ्लूड, ठीक है। अगर किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी पॉलीथीन के इनसाइड क्या कोई फ्लूड भर दिया जाए तो बाहर से जो एडिशंस आएगा उसको क्या करेगा? कवर करता है, उसको कंट्रोल करता है। मींस बाहरी कोई प्रेशर आएगा तो उसको कंट्रोल करने का काम ये सारी मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो कोई भी बाहर से इंजरी ना हो उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये सारी मेम्ब्रेन करेगी, ठीक है। कोरियन में आपका कोरियनिक फ्लूड भरा रहेगा, ठीक है। लास्ट में एक योक्सेक है, इसमें एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएटिव मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं योक, ठीक है। ये येलोइश सबस्टेंस है जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस समय एम्ब्रियो को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को कहां से मिलेगा? इसी योक से मिलेगा, ठीक है। तो योक इज ए न्यूट्रिएटिव सबस्टेंस फाउंड इन साइड द योक सैक, तो योक से होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप एप्स को छोड़ के मैमल्स में आओगे, वहां पे भी क्या होगा? एनिमल की बॉडी की साइज इंक्रीज कर जाती है, तो उस इंक्रीज से क्या होगा? इतना अमाउंट में योक नहीं पाया जाता है योक सैक में कि बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया? एक स्पेशल टाइप का आर्गन का फॉर्मेशन कर दिया, और उस आर्गन का नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा कुछ नहीं होता है, एक टेम्परेरी आर्गन है। ये टेम्परेरी आर्गन है, ये क्या करता है? एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब मदर की बॉडी से जब एम्ब्रियो कनेक्ट हो जाएगा तो जो नरिशमेंट मदर की बॉडी को मिलेगा वही नरिशमेंट क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो को मिलेगा। अब ये प्लेसेंटा और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये एम्ब्रियो को ऑक्सीजन भी चाहिए, उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट भी करना है, तो मीन्स गैसियस एक्सचेंज का भी काम करेगा कौन सा? प्लेसेंटा करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए एम्ब्रियो तक पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एम्ब्रियो में बनेगी वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी वेस्ट एम्ब्रियो के द्वारा जनरेट होगा उस वेस्ट को भी रिलीज करने का काम प्लेसेंटा के थ्रू होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन भी प्लेसेंटा के थ्रू होगा, गैसेस एक्सचेंज भी होगा प्लेसेंटा के थ्रू, एंड वेस्ट का रिमूवल भी किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू होगा। तो आपका जो अगला टॉपिक है प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। यस, तो प्लेसेंटा होगा। अब अगर आप देख रहे हो एक जायगोट जो है वो भी एक्टिव सेल है, उधर स्पर्म था वो भी एक्टिव एंड मोटाइल सेल था, ओवम था वो मोटाइल सेल नहीं था लेकिन नॉन मोटाइल सेल था, बट वो भी क्या है? एक्टिव है, ठीक है। इधर जायगोट बना वो भी एक्टिव है, एम्ब्रियो बना तब भी उसमें क्या है? सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। बर्थ होने तक जो भी चेंज आ रहा है उसमें सारी कुछ एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आखिर
हम ह्यूमन की बॉडी मींस हम ह्यूमन के डेवलपमेंट में और एक मशीन के डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जब मशीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस मशीन में जब तक हर पार्ट को असेंबल नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो मशीन फंक्शनल नहीं होगी। बट हम ह्यूमन के केस में, हम एनिमल के केस में, हम एनिमल के डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी का एक सिंगल जो जायगोट है वो भी उतना ही एक्टिव है, उसमें भी उतनी ही एक्टिविटी प्रेजेंट है जितने की हमारी लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक यूनिक टाइप का डेवलपमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, आर्गन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ेगा तब भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ यूनिसेल्ड जायगोट था वो भी उतना ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा मशीन के केस में नहीं होगा। हमारे और मशीन में एक ही डिफरेंस है कि मशीन को हर पार्ट को जब तक एक साथ असेंबल नहीं कर दिया जाएगा तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और हमारी बॉडी है ये असेंबल होता रहता है बट फंक्शन लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो ऑल अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। तो इस पर हमको पढ़ना क्या था, मेनली डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती क्या है ये हमको जानना है। हमको फिर सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है गैमेटोजेंसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेंसिस में दो प्रोसेस चलेगी, एक स्पर्मेटोजेंसिस की प्रोसेस होगी, दूसरी ओजेंसिस की प्रोसेस होगी। इसके बाद स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, उस फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होगा जायगोट का, और वो जायगोट क्या होगा, सक्सेसिवली डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा, उस यूनिसेल ऑर्गेन से मल्टी सेल ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेगा। मींस आपका थर्ड टॉपिक फर्टिलाइजेशन होगा, फोर्थ टॉपिक क्या होगा, क्लीवेज होगा। इसी बीच में आपको एक्स एंड उसके टाइप्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब जब जायगोट बन गया, जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का, ठीक है। क्योंकि जायगोट में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई तो फॉर्मेशन हो गया एम्ब्रियो का। अब उस एम्ब्रियो में क्या होगा, और आगे डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। तो जायगोट से गैस्ट्रुला बनने तक, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। तो मैंने बताया कि मारुला में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है कुछ। अब जो आपका ब्लास्टुला होगा वो यूनिलेयर्ड हो जाएगा, बीच में एक आपकी ब्लास्टुला में कैविटी बन जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे गैस्ट्रुला आते आते उसमें कैविटी बनी रहेगी, उस कैविटी को आर्किंट्रान बोलेंगे, ठीक है। अब जो गैस्ट्रुला है वो उसमें थ्री लेयर्स प्रेजेंट है, जिसको आप एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म बोल रहे हो। मींस इन्हीं को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, जर्म लेयर्स। तो आप लोग जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रुला में गैस्ट्रुलरी मूवमेंट होगा, मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, सेल अपने पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजिशन पर पहुँचेंगी, और उसी पोजिशन पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर आर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी मूवमेंट की प्रोसेस को ही क्या बोल देंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में आपको बताया जाएगा एपिबोली, एम्बोली, ठीक है। तो आप लोग एपिबोली और एम्बोली को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, यस। तो इसके बाद आपका गैस्ट्रुलेशन हो गया, देन जर्म लेयर्स हो गया, फिर डेवलपमेंट ऑफ चिक हम लोग पढ़ लेंगे, कहाँ तक, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टेज तक पढ़ लेंगे। देन आपको लास्ट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मींस एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक्सेक को डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लेसेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग पिछले लेक्चर को देख के और इस लेक्चर को कंबाइन करके पूरा सिलेबस अपना नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यही आपके बीएससी पार्ट टू के पेपर सेकंड का सिलेबस होगा, ठीक है। इस सिलेबस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी की को स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट होता क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे, आपका गैमेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक्स।